जी राधे राधे हरे कृष्णा। अगर आज के वीडियो का टाइटल देखकर आप इस वीडियो तक पधार गए हैं तो मेरी इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप को, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत इजीली किसी से प्यार कर बैठते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू प्योर सोल जो सोचते हैं कि हमने हाथ पकड़ा है ना तो अब हम ये रिश्ता निभाएंगे, राइट। एंड ये लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, राइट। तो आज का वीडियो थोड़ा सा वास्ट होने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ इसमें आप ही की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी, आपके पेरेंट्स के माइंडसेट के बारे में आपको बताऊंगी, आप उन्हें क्या क्या करके किस तरह से आप उनको इस बारे में बताएं, कैसे आप उनको कन्विंस करें, और अगर वो कन्विंस नहीं होते तो क्या करना है, ये सारी की बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम योर लाइफ कोच रिलेशनशिप काउंसलर, मेरा नाम है सखी आरती। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, एक बात आप समझ लो कि प्रॉब्लम आज आई है और कल वो नहीं रहने वाली है, जो वो किसी भी लेवल की प्रॉब्लम है, राइट। तो अच्छे दिन, फिर बुरे दिन, फिर बुरे दिन, फिर अच्छे दिन, ये चलता रहता है, राइट। तो अब वो क्या करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली फोन पर पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हैं, राइट। तो आज के वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान में होना चाहिए, और अगर ये चीज नहीं है ना तो आई टेल यू गाइज, पहले तो आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे, हो सकता है आपका पार्टनर ही पीछे हट जाए, या हो सकता है कि आपकी शादी शायद फिर बहुत लंबा ना चले, राइट। अब वो फर्स्ट पॉइंट क्या है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बल पर आप अपने सारे पेरेंट्स रिलेटिव सबको कन्विंस कर सकते हैं, वो है इंडिपेंडेंस। हाँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार बस प्यार होना चाहिए है, पैसे का क्या करना है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारी लाइफ में और बहुत तरह की इंडिपेंडेंस लेकर आती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, राइट। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा ना, मतलब मूवीज में भी देखा होगा कि पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ निकल जाओ हमारे घर से, मैं आज ही तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता हूं, राइट। सुना है? तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या, ये कहां जाएगा, ये तो वापस ही आएगा, इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, राइट। तो अगर आप इंडिपेंडेंट है ना अपनी लाइफ में, तो वो बात कहते हुए 10 बार हिचकेंगे, और अगर वो कह भी देते हैं तो वो फिर पीछे भी हट जाते हैं, उनको पता है कि हाँ हमारा बच्चा चला जाएगा, भाई वो इंडिपेंडेंट है तो बच्चा सबको प्यारा होता है, तो राइट। तो कल को फिर फैमिली भी ग्रो करती है, आज आप अकेले हैं, कल को बीवी आ जाएगी, आपका हस्बैंड होंगे, एंड कल को फिर फैमिली ग्रो करेगी, आपके बच्चे होंगे, तो सिर्फ हवा खाकर तो नहीं चलने वाला है वो, प्यार चलाने के लिए आपको हर तरह के एफर्ट करने होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपने प्यार कर लिया है, थोड़ा सा सब्र करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, एंड फिर तरीके से अपने घर में बात करो, ओके। पॉइंट नंबर टू, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपको अपने पेरेंट्स से बात करने में ज्यादा देर नहीं करनी है। बहुत बार ना लोग हिम्मत जुटा ही नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से बात करने के लिए, कल करेंगे, एक महीने बाद, अगले साल, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। जब आपका प्यार वो पीक पे होता है ना, वो टाइम आपके पास एक जबरदस्त एनर्जी होती है, उस इंसान को पाने की एक वो इच्छा होती है, वो कॉन्फिडेंस, वो किसी चीज को चाहने की चाह वो आपके चेहरे पर दिख रही होती है, जो डेस्परेटली आप उस चीज को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उस इंसान को चाहते हैं, वो सब कुछ आपके चेहरे पर दिखता है, वो एनर्जी आप पर काम करती है। अगर वो पीक वाली एनर्जी में आप अपने घर में बात कर लो ना कामयाब होने के बाद, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने का। धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क आने लगते हैं, डाउट आने लगते हैं, आपस में चीजें खराब होने लगती है, वो कहती है बात नहीं कर रहा है, वो कहता है बात नहीं कर रही है, तो इस तरह करके ना वो नेगेटिव साइड पे हमें जाना ही नहीं है। जब परवान पे है ना चीजें, तभी अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी है। वैसे देयर इज नॉट द राइट, लाइक राइट प्लेस और राइट टाइम कुछ नहीं होता है, जब आपने मन बना लिया है, पर बात करो, बिना बात के टाइम नहीं होने वाला, नेचुरली किसी को नहीं पता चलने वाला, आपके पेरेंट्स के कान में आके भगवान जी नहीं बोलने वाले हैं इसने ढूंढ लिया है, इसने ढूंढ लिया है, ये तो कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। बट हाँ, बात हमेशा एक पॉजिटिव नोट से शुरू करो, बात करते हुए इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, लाउड नहीं होना है, चीखना चिल्लाना नहीं है, वायलेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, एक पॉजिटिव, हो सके तो घर में तुमको लगता है कि हाँ थोड़ा मुश्किल है, कहीं बाहर अच्छी प्लीजेंट जगह पर अपने पेरेंट्स को ले जाओ, जहाँ का एटमोसफेयर थोड़ा सा अच्छा हो, एंड उनसे बैठ कर, उनका हाथ पकड़ के, उनकी गोद में सर रख के बस कह दो यही चाहिए, राइट। तो अपने पेरेंट्स से बात करो, राइट। पॉइंट नंबर 3, बी क्लियर। आप
ना तो खुद फैंटेसी में रहो और अपने पेरेंट्स को उस फैंटम वर्ल्ड में रखो। अपनी औकात के बाहर बातें नहीं करनी है, मतलब जो है वो है एक्चुअल, उसमें इतना मक्खन पॉलिश मैन्युपुलेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है कई बार लड़कियां बहुत हाइप मचा देती है अपने पार्टनर के, वो तो ऐसा, वो तो करोड़ों में कमाता और दिस एंड दैट, एंड लड़कियों के लिए भी पता नहीं वो क्या। नहीं, क्लियर रहो, मतलब उनको ये आपके पेरेंट्स को भी पता है ना, जब उनकी शादी हुई तो उनके भी झगड़े भी हुए होंगे, प्यार भी होगा, तो उनको ये मत कहो हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी, हाँ वो इतनी अच्छी है या वो इतना अच्छा है। नहीं, होंगे हमारे झगड़े होंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, खराब भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बट वो जो भी है ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे, हमको आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो क्लियर रहकर बातें करो, वो झूठ बेकार की टॉक्सिसिटी लेकर आता है, तो वो सब चीज नहीं करनी है। चाहिए है, यही चाहिए है, ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरी है, जो भी है, जैसे भी दिन आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं, हम लोग मिलकर गुजारेंगे, राइट। तो इस इंटेंशन के साथ में अपने पेरेंट्स से क्लियर बात करनी है। नंबर 3, अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर की क्वालिटीज बताओ। मतलब ऑब्वियसली लुक्स देखकर ही तो नई रिलेशनशिप आगे बढ़ा होगा, मतलब अगर लुक्स हैं तो वो तो ब्रेड के साथ बटर भी है, वो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, बट कुछ तो क्वालिटीज होगी ना आपकी पार्टनर की जो उनमें और उसे डिफरेंट होगी, या जो चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, जिस चीज के आप फैन हो गए हैं, उन क्वालिटीज से अपने पेरेंट्स को भी रूबरू कराओ, राइट। बस ऐसे नहीं पापा बस ये चाहिए है, ये नहीं मिली तो ये रोने धोने लग जाओ, नहीं, बैठ कर बताओ पापा आई वॉन्ट दिस गर्ल या आई वॉन्ट दिस गाय, इसमें ये चीजें हैं, ये सब कुछ मैं अपने पार्टनर में चाहता था या चाहती, ये चीज यूनिक है मतलब इसमें, तो वो क्वालिटीज के बारे में भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। नंबर 4, यहां आकर लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली बात है। देखो, बी रेडी फॉर द मेंटल एंड इमोशनल टॉर्चर। सबके पेरेंट्स अगर थोड़े भी चिल नहीं है ना, तो वो रोने धोने लगेंगे, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम समाज में क्या बोलेंगे, या तो तू इसको चुन ले या तू हमें चुन ले। ऐसा है, मतलब मैं किसी से बात भी कर रही थी आज, तो आई वाज सेइंग कि देखो जनरली 4 फेज आते हैं। पहला तो वही है कि भाई हम बोल देंगे ये हो ही नहीं सकता है, डिनाई करेंगे, राइट, कि ये तो होगी ही नहीं शादी, हम कराएंगे ही नहीं, राइट। फिर बार्गेन करने लगते हैं, अच्छा हमने जो लड़की ढूंढी है एक बार तू वो तो देख ले और एक्सप्लोर तो कर ले दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। उसके बाद फिर गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है फिर हमसे कोई मतलब नहीं रखना, और फिर मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो एक फेज है, उस फेज में आपको डगमगाना नहीं है। अगर आप उस फेज में डर गए, उस फेज में आप डगमगा गए, तो आप अपनी एनर्जी को लो कर लोगे। और ये इमोशनल कार्ड ना सबके पेरेंट्स खेलते हैं। मैंने एक थी स्टूडेंट मेरी, तो उसके पेरेंट्स ने तो उसको ये भी बोल दिया था, हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे तू ऐसा करेगी तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट। तो आपको वहां पे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि एक चीज समझो यार, बहुत बार बच्चे ये भी सोच जाते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत कुछ किया। बहुत लोग काफी बड़े बड़े बलिदान दे देते हैं पेरेंट्स के चक्कर में और अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं, राइट। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, उनकी बातें मानो, टेक केयर ऑफ हिम, उनका घूमना, उनका साथ देना, उनके खाने पीना, उनकी मेडिसिन व्हेन दे नीड यू, आप तब हैं। बट हर फेज में हमें अलग अलग इंसान चाहिए। मतलब जब आप छोटे थे तब आप अपनी मम्मी का ब्रेस्ट फीड करते होंगे, राइट, तब आपको माँ की चाह होगी। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको पता चला कि हाँ पापा ब्रेड विनर है, आपके हो सकते हैं मम्मी भी कमाती हो, तो आपको फिर अपना जिंदगी में आगे पढ़ने लिखने के लिए पापा ने बहुत सपोर्ट किया होगा, आप थोड़े पापा की तरफ आपका झुकाव आया होगा, उनसे बहुत चीजें आपने सीखी होंगी। फिर धीरे धीरे मम्मी पापा से थोड़ा सा हटके आपको फ्रेंड जोन अपना अच्छा लगने लग गया होगा, अपने दोस्त, फिर धीरे धीरे अपने भाई बहन के नजदीक आ जाते हो। फिर देयर इज अ टाइम व्हेन यू नीड अ पार्टनर जिसके साथ में आप अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल नीड सब कुछ, फिर आपको वही दिखे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें इतना पाला पोसा बड़ा किया अब तुम हमारे साथ ये, सबके अपने अपने रोल है और हर टाइम पे सबका अपना रोल आता है। और जिस रोल में किसी का मतलब जो नीड एक पार्टनर के साथ में आपकी फुलफिल होगी वो आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे, राइट। और शायद शादी तक का विचार आपने वहीं तक जाके किया होगा ना जहां आपको लग रहा होगा स्कोप आया होगा। तो आप उस इमोशनल टॉर्चर जो भी होगा उसको झेल जाना उस स्थिति में, और बस ये कह देना होगा तो यही, राइट। पॉइंट नंबर 5, इम्पोर्टेंस बताओ अपने पेरेंट्स को, उस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो रिश्ता, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो पार्टनर। हो सकता है पेरेंट्स अपनी इम्पोर्टेंस गिनाने लग जाए, तो आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए।
नोट्स बना लो। हाँ आप ये बात कह रहे हैं तो फिर ये, पर हाँ इस बीच में अपनी आवाज आपको लाउड नहीं करनी है, तो अपने पार्टनर की इंपॉर्टेंस आप खुद भी समझो। अपने पेरेंट्स के साथ में बैठकर ऐसा नहीं कि उसको डिग्रेड करने लगो या कुछ चीजें ऐसी आ जाए, नहीं, आप हैं अपनी जगह है पर उसकी भी अपनी जगह है, वो भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है वो बंदा या बंदी। पॉइंट नंबर 6, समाज से नहीं डरना है। इस बात के लिए तो आप बहुत प्रिपेयर हो के बिल्कुल नोट्स बना के जाना, सबसे पहले देख लेना आपके इर्द गिर्द ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज किया, या आप और भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं गूगल पे लव मैरिजेस जो बहुत सक्सेसफुल हुई है, आप विराट कोहली का नाम ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल राइट, एंड चाहे वो इंटर रिलीजन हुई हो चाहे इंटरकास्ट हुई हो, बहुत सारी सक्सेसफुल मैरिजेस हैं, और ऐसी भी बहुत सारी होंगी जिन्होंने अरेंज मैरिज करके अपनी लाइफ के बहुत पेनफुल इवेंट फेस किए होंगे, है ना। तो आपको वो समाज वाली जो कहानी बोलेंगे ना, हम क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमने तो इतना कुछ तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोला है, अब ऐसा वैसा, तो उनको प्लीज ये बताना कि अगर तुरंत अभी इमीडिएटली आपको 15 लाख की जरूरत पड़े तो वो समाज का कौन सा इंसान है जो एक फोन कॉल पे तुरंत आपके पास वो लेकर आ जाए, या आपकी लाइफ में जब कुछ ऐसा कुछ इवेंट आया तब कौन सा समाज ने क्या किया, या कल को शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है चाहे वो अरेंज मैरिज है या कुछ भी है, कौन समाज आकर आपके लिए स्टैंड लेगा या वो सारी चीजों को नीड को फुलफिल करेगा, नो बडी विल कम। और मेरा पर्सनल मानना है कि भाई शादी आपका अपना पर्सनल अफेयर है राइट, आप एक बहुत प्योर इंटेंशन के साथ मंत्रों से उच्चारित होकर भगवान के समक्ष बैठकर किसी के साथ में गठबंधन में बंधते हैं, उसमें समाज का कोई रोल है ही नहीं। पीपल यूज टू कम, आएंगे बातें बनाएंगे, गलत इंटेंशन के साथ आएंगे, गलत नजर के साथ आएंगे, कुछ कुछ खाएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, कितनी नेगेटिव वाइब्स देकर जाते हैं लोग। मैं तो कहती हूँ शादियों में ये फालतू के लोगों का बुलाना ही नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल मानना तो यही है। तो वो समाज वाला चैप्टर आप अपना क्लियर करके जाना, ठीक है, कितने लोग सक्सेसफुल हैं, कितने लोग अनसक्सेसफुल हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, वो समाज के लोग कहाँ काम आते हैं कहाँ नहीं आते हैं, हमें समाज को किस हद तक उनका लोगों का दायरा, लोगों को कितना लिमिट में रखना है, लोगों को इतना मुंह मत लगाओ ना कि लोग आके आपको कुछ बोले। आई टेल यू मेरे पापा के सामने अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर कुछ उनको बोल जाए, मेरी खुद की दीदी की लव मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है राइट। तो लोगों को हम वो मौका देते हैं, अपने बाहर जाके लोगों को बोलो यार, प्राउड फील करो अपने बच्चे की पसंद पर। तो अपने माता पिता के माइंड में कंसेप्ट डालो कि लोगों के सामने उनको ऑलरेडी अगर वो वीक दिखाएंगे तो लोग उन पर हावी होंगे, अगर वो उस चीज को लेकर स्ट्रांगली ब्यूटीफुली आगे बढ़ेंगे कि वाह हमारे बेटे ने इतनी अच्छा बच्चा अपनी लाइफ में वेलकम किया है, तो लोग फिर उसको उसी तरह, क्योंकि लोगों का काम वही है जो आप सुनना चाहते हैं वो लोग बोलते हैं, तो पेरेंट्स को ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ा देनी है आपको। पॉइंट नंबर 8, इतनी सारी बातें बता देने के बाद उनको क्लियर कर देना कि भाई झुकेगा नहीं राइट, कि चाहे कुछ भी हो जाए माताजी पिताजी आप शादी यहीं होगी, तो जरा भी झुकना नहीं है, और इस तरह भी नहीं करना है कि कल को वो कुछ आपके सामने कुछ टेम्प्टी दिखाने लग जाए, हाँ दे आर गिविंग दिस दे आर गिविंग दैट, वो ऐसा है वो ऐसी है, और तुम कहीं और देखने चला जाओ एक बार ट्रायल, जिस दिन आपने ट्रायल दे दिया ना उस दिन आपने अपना रिश्ता खो दिया, फिर आप उस पार्टनर को पाने लायक नहीं हो। तो झुकना नहीं है, उनके माइंड में मतलब इस लेवल तक बैठ जाए कि अब हम कुछ भी कर लेना ये नहीं मानने वाली या ये नहीं मानने वाला है। पॉइंट नंबर 9, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ये लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको आप क्लियर कट ये बात बता दीजिए कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, बट हम चाहते हैं कि हम आपके आशीर्वाद से चीजें करें, बट अगर आप वो नहीं देते हैं तो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड शादी तो होगी ही होगी राइट। उनके मन में ये भी डाल दो कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर शादी तो होगी, वही होगी, उसी से होगी, तो बेटर है कि वो अपनी मर्जी से वो चीज करा दें। नाउ लास्ट क्वेश्चन ये कि भाई इतना सब करने के बाद भी अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही एक दूसरे को संभालने के लिए हर स्थिति में आगे बढ़ने को तैयार हैं तो भाई फिर जाओ स्टैंड लो अपने लिए, अपने प्यार के लिए कर लो शादी, बट हाँ ऐसा नहीं है उसको टॉक्सिक मत करो, पेरेंट्स के कोशिश करो उनके आशीर्वाद से हो, बट देन ऑल्सो करनी है तो कर लो यार, कोई बुराई नहीं है अपनी मर्जी से अपना पार्टनर ढूंढने में। पहले भी स्वयंवर होते थे ना, किसी ग्रंथ कहीं कुछ नहीं कहीं पर भी नहीं ये मेंशन है कि आप अपनी मर्जी से अपना पार्टनर नहीं ढूंढ सकते राइट। तो
नहीं मान रहे तो फिर खुद से कर लो शादी यार, बाद में फिर आशीर्वाद देने चले जाओ, उनको लगेगा तो बाद में फिर ढोल नगाड़े बजा देंगे, नहीं लगेगा तो थोड़े टाइम बाद वो आपको बुला लेंगे, तो इतना डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज इट, वीडियो पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हरे कृष्णा।